हेलो दोस्तों, खम्मा गणी, वेलकम टू बैसारी रसोई 99 में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज आपकी बाईसा आपके साथ में शेयर करने जा रही है सिवैया खीर। हाँ दोस्तों, सिवैया खीर जो कि दोस्तों हम बनाएंगे इसे सिर्फ एक गिलास दूध में, और वो भी 1.5 किलो के करीब, और एकदम दोस्तों बिल्कुल मावे जैसी परफेक्ट बनेगी। तो चलिए दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने 100 ग्राम ले ली है सिवैयाँ, बारीक वाली ली है। और दोस्तों अब ले लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो काजू, बादाम और इलायची, इनको मैंने दरदरा कूट लिया है दोस्तों। इलायची हमने चार ली थी जिसको मैंने कूट लिया है, और तो हमने साथ में ली शुगर आधी बाउल के करीब। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, अब हम गैस पर रख देते हैं एक कढ़ाई या पेन या भगोने, कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पेन रख दिया है, और इसमें डाल दिया है 1 गिलास दूध, और अब डाल देंगे दोस्तों इसमें आधा गिलास पानी। बस दोस्तों यही चाहिए हमें, और उसी में बनाएंगे बिल्कुल मावे जैसी परफेक्ट खीर सिवैयाँ वाली। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, दूध अच्छे से हमारे बॉईल हो जाएगा। ये देखिए हमारे अच्छे से बॉईल आ गया है दूध में, और अब इसमें डाल देंगे दोस्तों हम सिवैयाँ। सिवैयाँ डालने के बाद में दोस्तों इसको चला लेते हैं हम अच्छे से, और फिर बाद में दोस्तों सिवैयाँ और दूध को अच्छे से बॉईल होने देंगे। दोस्तों इतनी अच्छी और इतनी परफेक्ट बनेगी हमारी, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बनाइएगा, बिल्कुल मावे जैसी परफेक्ट बनेगी। आपके बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी दोस्तों। कभी मेहमान आ जाए या कोई छोटा मोटा टुगेदर हो तो भी आप इसे बना सकते हैं, और सब इसको बहुत ही टेस्टी तरीके से खाएंगे, उनको सबको बहुत लाजवाब लगेगी ये। तो ये देखिए दोस्तों हमारी सिवैयाँ भी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब डाल देते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स कुछ। तो दोस्तों हमने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिया ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स भी पक जाए इसी में। दोस्तों हमें सिवैयाँ खीर बनाने में बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगी दोस्तों, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। और ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से उबाल आ गया है। अब डाल देंगे इसमें शुगर। तो दोस्तों चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मीठा का ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चीनी का यूज़ कर लीजिए, और कम मीठा खाना हो तो कम चीनी डाल लीजिए। और ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छे से हमारी खीर बन के तैयार हो रही है, चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब दोस्तों इसमें डालेंगे लास्ट में जो मेन इसका सीक्रेट है हमारा। तो दोस्तों हमने लिया है 2 छोटी चम्मच कस्टर्ड पाउडर। अब इसमें गुनगुना दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना रहे दोस्तों हमारे भी, इससे बहुत ही अच्छी हमारी खीर बन के तैयार होगी। तो अब दोस्तों डाल देते हैं खीर के अंदर कस्टर्ड पाउडर को, और दोस्तों अब हम इसको चला लेते हैं कंटिन्यूज़, क्योंकि दोस्तों अगर ये एक जगह पे कस्टर्ड जम जाएगा ना तो फिर खीर में इतना मज़ा नहीं आएगा। तो हमें पूरे खीर के अंदर से अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये देखिए कैसे हमारा कलर भी चेंज होता जा रहा है सिवैयाँ खीर का। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें कंटिन्यू इसे चलाना है, और एकदम परफेक्ट हमारी खीर बन के तैयार होगी। तो देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ गया है, कितनी क्रीमी क्रीमी बनी है हमारी सिवैयाँ। तो दोस्तों हमारी सिवैयाँ बनके रेडी हो चुकी है। हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, और इस पर थोड़े से काजू बादाम लगाकर इसे थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। और ये देखिए दोस्तों कितनी परफेक्ट हमारी सिवैयाँ खीर बनी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। और ये देखिए दोस्तों अब इसे हम ठंडा करके फ्रिज में 3 घंटे के लिए रख देंगे, और उसके बाद में दोस्तों इसे बिल्कुल ठंडा ठंडा ही खाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी, बिल्कुल मावे जैसी। तो दोस्तों अब बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।